फांसी की सजा को लेकर बीजेपी में मतभेद साफ दिखने लगे हैं। पार्टी सांसद वरुण गांधी के मुताबिक 140 देशों ने मृत्युदंड खत्म कर दिया है, भारत में भी इसका विकल्प तलाशा जाना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। वरुण ने अंग्रेजी की एक मैगजीन में लिखे अपने एक लेख में ये तमाम बातें कही हैं। याकूब मेमन की फांसी के बाद एक बार फिर शुरू हुई कैपिटल पनिशमेंट की बहस में बीजेपी नेता वरुण गांधी कूद गए हैं। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने पार्टी लाइन से हटकर मृत्युदंड खत्म करने की पुरजोर वकालत की। हालांकि बीजेपी ने वरुण के बयान से किनारा कर लिया। वरुण गांधी जी लेख लिखते रहते, उनका मत पार्टी का मत नहीं है। आपको मालूम है कि फांसी के मामले पर कई के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में इसको अवॉइड करने का एक नियम बनाया हुआ है, उसका पालन होता है। वरुण गांधी ने बेबीलोन सभ्यता और ईसा मसीह से लेकर तमाम सभ्यताओं में मृत्यु दंड की प्रथाओं और नियमों का हवाला देते हुए बताया कि ये बेहद क्रूर और निरंकुशवादी प्रचलन था। इतना ही नहीं, वरुण ने जाति और वर्ग के नजरिए से भी मृत्युदंड का विश्लेषण किया। उन्होंने नेशनल रिसर्च काउंसिल की एक रिसर्च का हवाला देते हुए बताया कि मृत्युदंड पाए 27% दोषी समाज के कमजोर तबके से ताल्लुक रखते हैं, 94% दोषी दलित हैं या अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। कोई अगर अपनी राय का इजहार करता है, जैसे हमारी पार्टी से भी किसी ने अपना इसका इजहार किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया और हमारी पार्टी से पूछा कि वो जवाब दें। आज भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए। आवर कंट्री इंडिया शुड से एम्फैटिक नो टू कैपिटल पनिशमेंट। इनफैक्ट आई हैव मूव्ड ए प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन इन राज्यसभा ऑन दिस इश्यू। वरुण की ये बातें निश्चित रूप से एक नई बहस और तेज आंधी की ओर इशारा कर रही हैं। इससे पहले शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा भी मृत्युदंड बंद करने की वकालत कर चुके हैं। जाहिर है ऐसे बयानों से विरोधियों के सरकार पर हमले और तीखे होने वाले हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।